है कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, 30, 29, 28, 27। जब आप उल्टी गिनती गिनते हो ना तो आप अपना गुस्सा भूल जाते हो। पानी पी लो या आसपास कुछ खाने का मिले तो खा लो। उस सिचुएशन से पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मेरे आसपास को आ रहा है, उस सिचुएशन से एस्केप करो थोड़ी देर के लिए। यस, अगर फिर भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो गुरु जी बताते हैं और दो तीन ट्रिक है। तो एक तो ये है कि सामने वाले को, अगर गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा किया है जैसा हम नहीं चाहते, हम जैसा चाहते हैं ऐसा सामने वाला नहीं कर रहा है या वैसा हो नहीं रहा है, इसलिए हमें गुस्सा आता है। ये सुन लो, ये सुन लो, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा है इसीलिए गुस्सा आ रहा है। तो गुरु जी ने बताया सामने वाले को देखो तो ऐसे देखो जैसे उसका चेहरा ही नहीं है। हाँ सही है, आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप जहां भी जा रहे हो आपका चेहरा नहीं है पहले तो, ठीक है। अभी आप जहां भी जा रहे हो किसी का भी चेहरा नहीं है, जहां भी जा रहे हो किसी का भी चेहरा नहीं है। इमेजिन करो क्या अभी आपको किसी पर गुस्सा रहेगा, चेहरा ही नहीं है, किसी पर प्यार रहेगा, किसी पर नफरत रहेगी, नहीं ना। इस तो देखो तो ऐसे कि जैसे चेहरा ही नहीं है। ओके, और जो सिचुएशन ऐसी है जिस पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा है, आपने जो चाहा वैसा नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, इसीलिए गुस्सा आ रहा है, तो उस सिचुएशन को समझकर एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। यस, और ये मस्त वाला है, लास्ट वाला। गुरु जी ने कहा है कि जब गुस्सा आए बोलने से पहले 15 सेकेंड होल्ड करो। चला जाएगा। यस, तो जब जब गुस्सा आए तो इस ट्रिक से आप कम कर सकते, और सबसे बढ़िया है सुदर्शन क्रिया करो। जैसे जैसे आप सुदर्शन क्रिया करते जाओगे आपका गुस्सा धीरे 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 कम होता जाएगा, मेडिटेशन जैसे करोगे। यस, ओके। सो अभी गेम खेले क्या?